तो हे गाइस माय नेम इज नमन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोगों ने बोट रॉकर्स 255 के बारे में तो सुना होगा, आज से 2 साल पहले जो वो नेकबैंड आया था, उसके बाद 255 प्रो भी जो है आया था, लेकिन अब जो है मार्केट में आ चुका है बोट रॉकर्स 255 मैक्स, और इसका जो प्राइस है वो है 1400 रुपीज। और हमने रिसेंटली जो है एक ट्रिनिटी नाम से जो है नेकबैंड का रिव्यू किया था, 100 रुपए का फर्क है। लेकिन इसमें ऐसी क्या कमी है या फिर क्या खास बात है जिसके लिए आपको जो इसको परचेस करना चाहिए? 255 सीरीज जो है बोट की मेरी फेवरेट सीरीज थी, क्योंकि काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो प्रोडक्ट मुझे लगा था। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जो है फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, और अगर आप इसको परचेस करते हो तो नीचे आपको व्यू ऑल प्रोडक्ट सेक्शन में जो है इसकी बाइंग लिंक देखने को मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है सामने की तरफ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि बैटरी लाइफ आपको इसमें 60 घंटे की मिल जाती है। ENX टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिलती है, बीस्ट मोड मिल जाता है यानी 60 ms तक की जो है लो लेटेंसी मिल जाती है। बैक साइड में आपको और भी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे जिनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, वैसे डिटेल में आपका भाई सब कुछ जो है आगे बताने वाला है। तो फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है नेकबैंड देखने को मिल जाएगा, वही कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाएंगे जिसमें काफी सारी बोट की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है, लेकिन वारंटी कार्ड जो है मेन इसमें एक तरीके से डॉक्यूमेंट है जिसको आपको संभाल के रख लेना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको टाइप सी वाली जो है केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं सिलिकॉन वाले जिसको भी जो है आप संभाल के रख सकते हो। तो भाई अब अगर मैं बात करूं भाई नेकबैंड की यानी मेन डिवाइस की, तो एक चीज मैंने सबसे पहले नोटिस करी है कि नेकबैंड जो है काफी ज्यादा भारी है। इतने ज्यादा भारी नेकबैंड मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए, लेकिन इनका वेट जो है अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम शुरुआत करें भाई नेकबैंड की क्वालिटी की, तो सिलिकॉन रबर का जो है आपको अच्छा खासा सपोर्ट तो मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का शेप भी आपको देखने को मिल जाएगा जो आपकी नेक पे अच्छे से जो है सेट हो जाएगा, लेकिन ये सॉफ्ट वाले जो है नेकबैंड नहीं है, ये अच्छे खासे हैवी नेकबैंड जो है आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इनको गले में पहन के घूमते हो तो आपको जो है हैवीनेस जो है जरूर फील होने वाला है, लेकिन इसका रबर की क्वालिटी अच्छी है तो आपको जो है इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लॉन्ग टर्म के लिए इनको पहन के रख सकते हो। अब आगे बढ़े और बात करें मॉड्यूल्स की, तो यहाँ पे जो है राइट साइड में आपको सारे बटन मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ के लिए बटन दिया हुआ है। यहाँ पे एक छोटी सी LED लाइट भी मिल जाती है जो बताएगा कि पेयर है डिवाइस की नहीं है। लेफ्ट साइड वाले मॉड्यूल में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन भाई मैंने बटन में एक चीज नोटिस करी कि बटन की क्वालिटी जो है मुझे ठीक ठाक सी लगी, काफी जो है ना हैवी टाइप की जो है क्वालिटी लगी है, आपको जो है एकदम जैसे सॉफ्टनेस टाइप की जो है देखने को नहीं मिलेगा। यहां पे आपको जो है टाइप सी वाला जो है पोर्ट देखने को मिल जाएगा, और उसके अलावा आप आगे बढ़े वायर की बात करते हैं, तो भाई वायर जो है आपको थोड़े से ब्रेडेड टाइप के जो है डिजाइन में देखने को मिल जाएंगे जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो आप इनको यूज कर सकते हो, कितना भी खींच लो कुछ भी कर लो जो है इतने जल्दी खराब नहीं होते। लेकिन यहां पे मॉड्यूल से निकलते टाइम जो है यहाँ पे आपको कोई भी जॉइंट देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण थोड़े से जो है जल्दी खराब हो सकते हैं, तो आपको यहाँ से जो है इनको ध्यान में रख लेना है। अब अगर बात करें भाई मेन ईयर पीसेस की, तो यहाँ पे आपको जो है प्लास्टिक क्वालिटी मिल जाती है। प्लास्टिक जो है आप बोट यूज करने लगा है, हो सकता है इसलिए क्योंकि मेटल वाले काफी हैवी होते थे, प्लास्टिक के जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा जो है लाइट वेट होते हैं, आपके ईयर में अच्छे से फिट भी हो जाते हैं। वहीं पे आपको जो है फिंज देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे देगा, अगर आप जिमिंग रनिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सिलिकॉन रबर की क्वालिटी जो मैं बोलूंगा कि काफी सॉफ्ट है, अच्छी है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं भाई फिटिंग वगैरह की बात करूं, तो इसको जो है अगर आप जिम वगैरह कर रहे हो, रनिंग वगैरह कर रहे हो, पहन के भाग रहे हो, तो आपके ये ईयर से इतने इजीली जो है नहीं निकलेंगे, आपको उसकी जो है टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इसकी जो है हमने अच्छी खासी तरीके से जो है टेस्टिंग कर रखी है जो आप लोगों के सामने है। अब इसकी कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो गाइस इसमें आपको जो है लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और इसका प्राइस जो है 1400 रुपए, उस हिसाब से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इसमें बढ़िया मिल रही है। आपको आराम से 10 से 12 मीटर तक की जो है रेंज मिल जाएगी, तो ऐसी कनेक्टिविटी लॉस की प्रॉब्लम जो है आपको ज्यादा फील नहीं होगी। वहीं ये IPX5 के साथ में आता है, तो वाटर रेजिस्टेंस है, आप हल्की फुल्की बारिश में जो इसको पहन सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं भाई साउंड क्वालिटी की, तो गाइस इसमें आपको जो है 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, सेम ड्राइवर्स है जो आपको अभी के टाइम पे बाकी जो है बोट के नेकबैंड में भी देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि भाई अब बोट जो है एप्लीकेशन को सपोर्ट करने लगा है, रियलमी वन प्लस की तरह जो है अब आप बोट को भी जो है अपने इक्वलाइजर को जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगी, तो ये काफी बढ़िया चीज लगी है मुझे, यानी कि अगर आपको बेस ज्यादा सुनना पसंद है तो वो आप एप्लीकेशन से जाके जो है इंक्रीज कर सकते हो। और वहीं पे आपको अलग अलग EQ मोड्स भी इसमें जो है देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज जो है आपको इन ईयरफोन्स में देखने को मिलेगा जो पुराने ईयरफोन्स में आपको नहीं देखने को मिलता था। लेकिन आप अगर साउंड क्वालिटी की बात करें गाइस, तो यहाँ पे जो है मैंने काफी ज्यादा ऐसे ट्रैप हिप हॉप या बेसी वाले जो है साउंड सुने पहले, मैं ये बोलूंगा कि बेस तो इसमें आपको काफी बढ़िया मिल जाता है, आपको बाहर कुछ भी सुनाई नहीं देगा, अगर आपकी वॉल्यूम 80-90% है फिर भी आपको बेस जो है काफी थंपी पंची
वाले देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ट्रेबल की, तो भाई ट्रेबल के टाइम पे जो है मैंने एक चीज नोटिस करी कि इतना कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, आपको काफी बैलेंस टाइप के जो है देखने को मिल जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि अगर आप मूवीज वगैरह देख रहे हो, अगर आपको वोकल सुनना काफी ज्यादा पसंद है, तो वहां पे भी आपको अननेसेसरी से जो है बेस यहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको जो है बिल्कुल पंजाबी देसी हिप हॉप टाइप के सॉन्ग सुनना पसंद है, तब आप इन ईयरफोन्स को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। लेकिन अगर आपको वोकल्स और भाई जो डायलॉग डिलीवरीज वगैरह वो काफी क्रिस्टल क्लियर तरीके से सुनना पसंद है, तो उस टाइम पे जो आप इतना एंजॉय इन ईयरफोन्स को नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं भाई कॉल क्वालिटी की, तो इसमें भी आपको ENX टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन वाली जो है इसमें मिलती है, बैकग्राउंड का नॉइस कैंसिल कर देता है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है कॉल क्वालिटी टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो उसको आप एक बार सुन लीजिए। तो ये है Boat Rocker 255 Max के थ्रू ली गई वॉइस रिकॉर्डिंग, और कॉलिंग अगर आप करते हो तो कुछ ऐसी ऑडियो कॉल आपको सुनने को मिल जाएगी। इसमें आपको जो है ENX टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसकी वजह से जो बैकग्राउंड का नॉइस है वो कैंसिल हो जाता है। तो कॉल क्वालिटी आपको कैसी लगी कॉमेंट में मुझे जरूर बताना। अब अगर इसके गेमिंग मोड की बात करते हैं, तो 60 ms तक की इसमें लो लेटेंसी मोड मिल जाता है, जिसको बोट बीस्ट मोड जो है बोलता है। अब यहाँ पे इसको जो है जैसे आप ऑन करते हो, जो बटन दिया है उसको टैप करके, तो बीस्ट मोड में जो एंटर हो जाएगा। लेटेंसी इसमें आपको काफी कम मिल जाती है, आप अच्छे से जो है गेमिंग वगैरह एंजॉय कर पाओगे। लेकिन एक जो कमी आपको मिलती है वो है भाई बैटरी में। 60 hours बहुत ज्यादा होते हैं आई नो, लेकिन बोट के कुछ ईयरफोन है जो 1500 rupees में मिल रहे हैं, और वो आपको 150 घंटे तक की जो है बैटरी बैकअप दे रहे हैं। 150 घंटे दे रहे हैं, मतलब 150 घंटे मिलता नहीं है, 100 भी मिलता है तो काफी ज्यादा। 60 इसमें दिया हुआ है। ये जो नेकबैंड है ये आपको जो है अगर आप काफी ज्यादा म्यूजिक वगैरह सुनते हो, तो एक दिन तक का जो है आपको ये पावर दे देगा, यानी कि बैकअप दे देगा। लेकिन अगर इसमें जो है आप चार्जिंग पे लगाते हो, तो इसमें एक अच्छी चीज ये है कि ASAP टेक्नोलॉजी मिल जाता है, फटाफट से जो है ये आपके ईयरफोन्स को चार्ज कर देगा। तो ये एक जो है जबरदस्त इसमें चीज मिलती है। बैटरी बैकअप मेरे हिसाब से थोड़ी और अच्छी कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका ओवरऑल वेट वगैरह काफी ज्यादा है। मुझे ऐसा लगा था कि भाई काफी भारी है तो बैटरी वगैरह ज्यादा होगी, पर ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा वेट इस ब्लूटूथ ईयरफोन में है वो इसके नेकबैंड का, क्योंकि काफी सॉलिड क्वालिटी जो है यहाँ पे यूज हुई है। तो गाइस अगर मैं अपना कंक्लूजन दूं इन ईयरफोन्स को लेके, तो भाई अगर आपको जो है अपने हिसाब से म्यूजिक जो है कस्टमाइज करना है, EQ मोड्स वगैरह आपको चेंज करने हैं, तो अब आप इन ईयरफोन्स को जो है कंसीडर कर सकते हो। उसकी साउंड क्वालिटी को अपने हिसाब से आप जो है इंप्रूव कर सकते हो। वैसे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ऐसे लोगों के लिए जो काफी ज्यादा जो है ग्राउंड वर्क पे जो है काम करते हैं, यानी कि वो ज्यादा जो है चीजों को ख्याल नहीं रख सकते उनका, तो भाई आप ऐसे में नेकबैंड को परचेस कर सकते हो। एक बार परचेस करो और इनको जो है रगड़ली आप यूज कर सकते हो। बाकी नेकबैंड जो है थोड़े से लाइट होते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये नेकबैंड जो है बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप इनको लेना चाह रहे हो। तो गाइस ये था फुल डिटेल रिव्यू Boat Rocker 255 Max के ऊपर। आप लोगों के क्या सजेशन है, फीडबैक है, वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो, तो भाई यहाँ पे आपको नीचे व्यू ऑल प्रोडक्ट सेक्शन में इसकी लिंक जो है देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।